हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो फाइनली आईसीएआई ने अपना इरादा बता दिया है कि उनको क्या करना है मई 2023 वालों के साथ। अब नवंबर 23 वालों के साथ क्या होगा वो मुझे नहीं पता, उनके लिए न्यू कोर्स आएगा या ओल्ड कोर्स आएगा पता नहीं क्या होगा। मई 23 वालों के लिए तो बहुत क्लियर है, जो एग्जिस्टिंग कोर्स है वही आपको देना है। तो हम लोग बहुत समय से वेट कर रहे थे कि आईसीआई का मटेरियल कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा। फाइनली आईसीआई ने भाई मटेरियल तो नहीं लाया, लेकिन आईसीआई ने देखो क्या किया है। ये आप अगर देख सकते हो, ये पेपर 7 है, उसके नीचे एक और पेपर 7 है, ठीक है, बाकी सब एक एक ही है। पेपर 1 एक है, पेपर 2 एक है, बाकी सारे एक 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 रो है, लेकिन पेपर 7 के लिए 2 रो है। पेपर 7 पेपर 7, ये पहला वाला पेपर 7 क्या है? पहला वाला पेपर 7 आपका मई 22 और नवंबर 22 का स्टडी मटेरियल है। अगर मैं यहां पर क्लिक करूं तो यहां पर देखो मई 22 और नवंबर 22 का स्टडी मटेरियल है, मतलब पिछले साल का स्टडी मटेरियल है, विच इज अपडेटेड एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, और जो लास्ट ईयर आया था अक्टूबर में, तो 2021 अक्टूबर का मटेरियल यहां पर पड़ा हुआ है। अब हम उम्मीद कर रहे थे, जैसे हम हर साल उम्मीद करते हैं कि आपके लिए भी एक नया मटेरियल आएगा, बट नहीं आ रहा है। आईसीआई ने अपनी मंशा क्लियर कर दी है, नहीं आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आईसीआई को इतना आलसपना आ रहा है कि इनको एक नया मटेरियल निकालने की भी इच्छा नहीं हो रही है। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, यहां पर एक 280 पेज का मई 23 के लिए एक सप्लीमेंट्री डाल दिया है, 280 पेज का। इसको अगर मैं ओपन करूं तो यहां देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर दिखेगा आपको 280 पेज दिख रहे हैं, या लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर 280 पेज का एक सप्लीमेंट्री डाल दिया है। और ये सप्लीमेंट्री के अंदर क्या है, ये सप्लीमेंट्री के अंदर है कुछ चीज है, अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है फाइनेंस एक्ट 2022 के अमेंडमेंट्स, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, ओल्ड मटेरियल कब तक अपडेटेड है, ओल्ड मटेरियल अपडेटेड है टिल 31 अक्टूबर 2022, यहां तक अपडेटेड है। तो 1 नवंबर 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक, सॉरी 1 नवंबर 2021 तक अपडेटेड है, ओल्ड नवंबर 31 अक्टूबर 2021 तक अपडेटेड। तो यहां पर इस सप्लीमेंट्री के अंदर क्या क्या है, 1 नवंबर 2021 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक जो भी सीबीडीटी के सिलेक्टेड सर्कुलर्स है, सारे तो नहीं डालता इंस्टीट्यूट, सिलेक्टेड डालता है, सीबीडीटी के सर्कुलर्स है, नोटिफिकेशन है, और कुछ रूल्स भी आए हैं नए, वो सारी चीज है, ठीक है। तो अब अगर आपको आईसीआई का मटेरियल फॉलो करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट बोल रहा है आप ओल्ड मटेरियल फॉलो कीजिए जो पिछले साल था, दैट इज जो मई 22 और नवंबर 22 वालों के लिए था, ठीक है, वो मटेरियल फॉलो करो। साथ साथ में आपको हमारी ये 280 पेज की सप्लीमेंट्री फॉलो करनी है, जिसके अंदर क्या क्या कवर्ड है। पहले तो फाइनेंस एक्ट 22 के सारे अमेंडमेंट्स कवर्ड है, और ये पिछले एक साल के जो सीबीडीटी के सर्कुलर, जो रेलेवेंट सर्कुलर है सारे नहीं है, कुछ नोटिफिकेशन है जो रेलेवेंट है सारे नहीं है, और कुछ रूल्स है ये भी रेलेवेंट है सारे नहीं, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा स्टैंड क्या है, हमारे क्लास में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। हमारे क्लास में हम लोगों ने, हमारा जो बैच चल रहा है अभी, कौन सा वाला बैच चल रहा है, मई 23 का और नवंबर 23 का, जो हमारा रेगुलर बैच है या फास्ट ट्रैक बैच है, डोंट वरी, ये दोनों बैच में हमारा ये सब कुछ कवर्ड है। कुछ सर्कुलर्स हैं, मैंने कल बैठकर पूरा दिन यही किया हूं, उसी के बाद मैं बोला कि पहले मैं एक बार देख लेता हूं अपनी तरफ से, फिर आप लोगों के साथ क्या करता हूं, डिस्कशन करता हूं, ठीक है। तो हमारे बैच के अंदर फाइनेंस एक्ट 2022 के सारे अमेंडमेंट्स, ये सप्लीमेंट्री के अंदर जो भी है सब हमने कवर किया, हमने तो एग्जांपल्स के साथ कवर किया, प्लस हमने ये सारे सर्कुलर सारे कवर है पिछले नवंबर से लेकर इस अक्टूबर तक, ऑलमोस्ट सारे सर्कुलर सारे नोटिफिकेशन सारे रूल्स हमारी बुक के अंदर सब कवर्ड है। सिर्फ 4 से 5 पेज है, पेज है वो भी साइड से, वो भी पेज भी नहीं, 4 से 5 साइड है बस, उसमें कुछ एडिशनल सर्कुलर सीबीडीटी ने ऐड किया है, कुछ इंपॉर्टेंट है कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, बस वो ही अपने को पढ़ना है। मैं आपको बता देता हूं अगर चाहिए तो, जस्ट अ सेकेंड, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारी क्लास कंप्लीट कर ली है तो आपको पता होगा, कंप्लीट नहीं किया तो नहीं पता होगा, रेगुलर बैच वालों को पता होगा क्योंकि उनकी क्लास कंप्लीट हो गई है, फास्ट ट्रैक वालों की अभी चल रही है। ये हमारा लास्ट चैप्टर है, बस इसमें ही कुछ माइनर एडिशन है, बस और कुछ नहीं,
ये लास्ट चैप्टर है 76 चैप्टर जो हमारा लेटेस्ट सर्कुलर वाला है। अगर आप अपनी बुक खोलोगे तो यहां तक के सर्कुलर सारे कवर्ड है, यहां तक सब कुछ कवर्ड है, ठीक है। अब इसके आगे चार पांच पेज है बस, और कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं है। एक सेकंड, इसको मैं पहले सेव कर देता हूं, सेव हो जाओ, ठीक है सेव हो जाओ। फिर से लास्ट पेज पे जाना पड़ेगा, यहां तक का हमारा बुक में पूरा कवर है। ये 74/2022 तक, ये कौन सा पेज है देखो, पेज नंबर 24 है। अब आपको कुछ एडिशनल नोटिफिकेशन सीबीडीटी ने इंक्लूड किया है, वो इंस्टीट्यूट ने भी अपने मटेरियल में इंक्लूड किया, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। ये एक पेज 24, ये 25 दो पेज, ये 26 तीन पेज, ये 27 चार पेज, ये 28 पांच पेज, और ये 29 का आधा पेज है, मतलब लगभग 4.5 पेज है, 4.5 पेज का एडिशन है ये। बाकी इस 4.5 पेज को छोड़कर ऐसा कुछ भी नहीं है इस सप्लीमेंट्री के अंदर जो हमने क्लास में नहीं किया है। हमारा पूरा रेगुलर बैच उठाओ, फास्ट ट्रैक बैच उठाओ, बाद में चाहिए तो इसमें से पूरा पढ़ लो चाहिए, ठीक है। हमने पूरा कवर किया है, तो अगर आपने मेरा May 23 का बैच कर लिया है, November 23 का बैच कर लिया है, तो आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ये आखिर के 5 पेज करना है, उसका भी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा सॉफ्ट कॉपी, और मैं उस पर लेक्चर भी दे दूंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो जिसने May 23 का बैच कर लिया है, ताकि मैं चाहता हूं कि एक भी चीज हमसे छूटे नहीं, आई डोंट वॉन्ट अस टू लीव इवन अ सिंगल पॉइंट, मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ भी चीज हो। तो अगर आपने मेरा मे या November 23 का जो लेटेस्ट बैच है, रेगुलर बैच हो या फास्ट ट्रैक बैच हो, इनमें से कोई भी कुछ किया है, तो आपको ICAI की सप्लीमेंट्री अगर देखना है तो देखो, मैंडेटरी नहीं है, एवरीथिंग इज कवर्ड इन आवर बुक एक्सेप्ट 4-5 पेजेस विच आई हैव पुट इन द लास्ट चैप्टर। कुछ नोटिफिकेशन है, वो भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, एक दो उसमें इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा जब पढ़ाऊंगा, तो जिसके ऊपर मैं आपको लेक्चर भी दे दूंगा, और जिसके ऊपर मैं आपको क्या दे दूंगा, आपको लेक्चर के साथ साथ उसकी एक सॉफ्ट कॉपी में नोट्स भी दे दूंगा। अभी 4-5 पेज है, तो उसकी हार्ड कॉपी कहां भेजते बैठू मैं, तो 4-5 पेज है, तो उसकी मैं सॉफ्ट कॉपी, उसके अलावा कुछ भी बुक्स के अंदर और कोई चेंज नहीं। उसके बाद आपको चाहिए तो ICAI की सप्लीमेंट्री कंपेयर करते बैठो, और सप्लीमेंट्री अपनी बुक कंपेयर करो, सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बस यही मुझे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करना था। वेरी अनफॉर्चुनेट ऑन द पार्ट ऑफ ICAI दैट दे आर नॉट विलिंग टू मेक एनी न्यू स्टडी मटेरियल फॉर यू ऑल, वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड द रीजन मैंने आपको पहले ही शायद एक वीडियो के थ्रू बताया था पेपर 6 के टाइम पे भी, कि इंस्टीट्यूट क्यों नहीं कर रही है ऐसा, क्योंकि उनको न्यू कोर्स के लिए मटेरियल बनाना है, इसलिए ओल्ड कोर्स का मटेरियल नहीं बना रहे। ये तो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो फिर आप ओल्ड कोर्स में एग्जाम क्यों ले रहे हो, आप पास कर दो ना सबको ऐसे ही, फिर नहीं वो भी नहीं करेंगे हम सबको ऐसे कैसे पास कर दे, हम बुक भी नहीं देंगे उनको, नहीं। और लाया तो भी अब तक सिर्फ डायरेक्ट टैक्स का बुक ही लाया है, बाकी किसी सब्जेक्ट का तो बुक मेरे को यहाँ पर दिख भी नहीं रहा है। मुझे नहीं पता कहीं और डाला होगा, तो मुझे नहीं पता, एक तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड है, एक चीज यहाँ होती है एक वहां होती है, ये आज के हिसाब से लेटेस्ट बता रहा हूँ, डाला है तो कहां पर डाला है, सिर्फ डायरेक्ट टैक्स में, ये एडिशनल सप्लीमेंट्री, बाकी किसी और पेपर में देखो आपको कोई सप्लीमेंट्री दिख भी नहीं रही होगी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, जो है वो है। तो अल्टीमेटली मैं एक लास्ट बार कंक्लूड कर लेता हूं, क्या हमें, अगर हम May 23, November 23 का रेगुलर या फास्ट ट्रैक बैच कर रहे हैं, तो क्या हमको ICAI की सप्लीमेंट्री देखने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, उसको साइड में उठा के रख दो, ठीक है। अगर आपके पास है भी प्रिंट आउट भी मारे तो साइड में उठा के रख दो, हमने सब कुछ कवर कर लिया, सिर्फ 4-5 पेज के एक्स्ट्रा नोटिफिकेशन है, जिसपे मैं आपको लेक्चर भी दे दूंगा, नोट्स भी दे दूंगा, उसके अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कोई महान क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं किया है सप्लीमेंट्री में, कुछ नहीं, बहुत जगह पर तो पूरा पूरा चैप्टर ही डाल दिया है, जैसे ट्रस्ट का तो पूरा चैप्टर डाल दिया, ट्रस्ट का पूरा चैप्टर डाल दिया, एडवांस रूलिंग का पूरा चैप्टर डाल दिया, तो उसमें और कुछ बहुत ज्यादा देखने लायक कुछ, ठीक है। तो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द थिंग्स। उसके बजाय भी अगर आपको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग द नोट्स, रिगार्डिंग द बुक्स, तो 9009008977 पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप जब कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स को वहां पर रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग द स्टडी मटेरियल, भले आप मेरे स्टूडेंट हो या मेरे स्टूडेंट नहीं हो, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपके इस डाउट का एड्रेस कर दूं, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, बाय।